शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आहा। ये कैसा है? ने? ये तो जाती है। अंजलि की शादी के लिए तुमने सब कुछ अपनी पसंद का खरीद लिया। भाई को भी कुछ अपनी पसंद का खरीदने दो। वो शौक तुम अपनी शादी में पूरा कर लेना, ओके? आज तक कोई बच के नहीं किया बचुआ। फरहमजादे, तू है वो जिसने राजा साहब से टकराने की गलती की। हाँ, तेरी ये जरूरत की उनकी आबरू को ललकारे जिनकी तरफ नजर उठाकर देखने तक की तेरी औकात नहीं है। हाँ, आज तुझे राजा साहब की ताकत का एहसास हम कराऊंगा। ये सिंदूर तू अपनी बहन की मांग सजाने के लिए लाया था, इसे तो अब हम तेरी अर्थी पर गिराऊंगा। और ई सुहाग का जोड़ा तेरी बहन का है ना? इका हम बीच बाजार उसके जिस्म से नोच नोच कर उसके गोरे गोरे बदन का चिथड़े उड़ाऊंगा, चिथड़े।
जानते हो इन्हें क्यों पूछा जाता है? क्योंकि इन्होंने अपनी सारी शक्ति सीता मैया की इज्जत की रक्षा में लगा दी, और तुम नारी जाति का अपमान करके अपने आप को बजरंग बली का भक्त कहते हो? तुम पहलवान नहीं, राजा साहब के पास तो कुत्ते हो। देख लिया राजा साहब, गरीब की एक आह हजार लाठियां बनकर कैसे बरसती है। जो आज इनकी हालत हुई है, जिस तरह इनकी हड्डियां टूटी हैं, कल इसी तरह तेरा गरूर भी टूटेगा रणबीर। उनका प्यार सैलाब बनकर तुम्हारी हवेली से टकरा रहा है, तुम्हारी बुनियादें हिल रही हैं। आज बुनियादें हिली हैं तो कल दीवारें भी गिरेंगी। तुम लोग इस सैलाब को अपनी मुट्ठी में नहीं बंद कर सकते, उनके प्यार के दीवानेपन को नहीं रोक सकते, नहीं रोक सकते, नहीं रोक सकते। बस अब ये तय हो गया कि लड़की के मामा अपनी भांजी की शादी की खुशी में लड़के को मंगनी की तौर पर 11,11,111 रुपए और 11 पैसे देंगे। फिर मेरा रुपया तुम्हारा हो जाएगा और तुम्हारी लक्ष्मी मेरी हो जाएगी। बस लड़की की माँ को बुलाओ और 111 रुपया देकर लड़के का मुंह मीठा करो। सोनू, राजू, सोनू, राजवंती, सोनचंद जी, तुम यहाँ? हाँ, मैं अपने बेटे की शादी लक्ष्मी से तय कर रहा हूँ। हाय राम, क्या हुआ? हाँ? नहीं, ये शादी नहीं हो सकती। अब तो सब कुछ तय हो गया, तो मेरी शादी क्यों नहीं हो सकती? ये शादी नहीं हो सकती। लेकिन बापू क्यों नहीं हो सकती? ओ, क्योंकि ये तुम्हारी बहन है। मतलब बापू। नमस्ते राजा साहब। क्यों आई हो यहाँ? अपनी बेटी की शादी का न्योता देने आई हूँ। न्योता देने आई हो यहाँ? हमसे रिश्ता जोड़ने, अपनी कुटिया से इस महल तक का सफर तय करने का कितना आसान रास्ता ढूंढा है तुमने। अपनी औकात ही भूल गई? गरीब के पास औकात नहीं, सिर्फ जज्बात होते हैं। इन्हीं जज्बातों के ढोंग में तुम लोगों ने हमारी नादान भतीजी को फांसने की अच्छी चाल चली है। हमें अंदाजा नहीं था कि गरीब लोग इतने चालाक होते हैं। ये न्योता नहीं, तुम्हारी साजिश है, और हमारे पास इसका जवाब ये है। इस महल के पत्थरों ने अभी न्योतों की इज्जत करनी नहीं सीखी। आपको ऐसे लोगों के पास न्योता देने आना ही नहीं चाहिए, जिन्हें अपने समधन से बात करने की तमीज न हो। इनकी तरफ से मैं माफी मांगती हूँ माँ जी। नहीं नहीं बेटी नहीं, दरअसल ये अपनी हार का गुस्सा इस कागज पर उतार कर अपनी बहादुरी का सबूत देना चाहते हैं। मगर अफसोस, एक कागज के तो टुकड़े किए जा सकते हैं, लेकिन मेरी मोहब्बत के नहीं। थैंक यू राजा साहब। अगर ये थप्पड़ एक रहम दिल बाप की तरफ से अपनी गुमराह बेटी को सबक होता तो मैं खुशी से कबूल कर लेती, लेकिन ये तमाचा अपनी ताकत में अंधे एक मगरूर तानाशाह का मेरी मोहब्बत को चुनौती है, और मुझे ये चुनौती मंजूर है।
माँ जी आप घर जाइए और अंजलि से कहिएगा कि उसकी होने वाली भाभी ना सिर्फ आएगी बल्कि नाचेगी गाएगी और अगर कोई रोक सके तो रोक ले। खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है, बस बारात आने वाली होगी, बाकी तैयारियां होगी? हाँ सब हो गई है। हलवे की खुशबू अच्छी आ रही है। अजय भैया, अजय भैया, बारात आ गई। बारात आई? जीते रहो बेटे। ओम गजानन भूतगुणादी सेवितं सकृत्सचम्भो फलचारु भक्षणम् उमासुतं शोक विनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजं एक दंतो महाबुद्धि सर्वज्ञो गणनायक सर्वसिद्धिकर सेवा गौरी पुत्र विनायक ओम सर्व मंगल मांगल्ये श्री सर्वार्थाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम गणानन।